यूपी के रामपुर से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ खाकी अंडरवियर वाले आपत्तिजनक बयान देने पे सपा नेता आजम खान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। आजम खान ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है और सफाई देते हुए ये भी कहा, जिसे हमने उंगली पकड़कर रामपुर की गलियों में घुमाया था, जिसे अपने वोट दिए थे, उसने न जाने मेरे खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए, कितने गंदे और रकीब इल्ज़ाम, कितनी आवारगी और अय्याशी के इल्ज़ाम लगाए। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि ये सारे इल्ज़ाम गलत, और अगर मैं दोषी साबित हो जाता हूँ तो मैं लोकसभा चुनाव 2019 की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लूँगा और चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को आजम खान ने जनसभा के दौरान जयप्रदा पर निशाना साधते हुए कहा था, जिसको हम उंगली पकड़कर रामपुर लाए, अपने 10 साल जिससे अपना प्रतिनिधित्व करवाया उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे, मैं 17 दिन में पहचान गया कि इसके नीचे का अंडरवियर खाकी रंग का है। हालांकि उन्होंने इस बयान में जयप्रदा का नाम नहीं लिया था। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।